आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा सुबह शूट हो रहा है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पास्ता। तो मैं पहले बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। हरी मिर्च, प्याज को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद मैंने ग्रेटेड लहसुन लिया है, गार्लिक मत लेना, वो थोड़ा पंजेंट सा टेस्ट आता है। उसके बाद शिमला मिर्च, उसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पास्ता बॉईल किया क्योंकि यश को मेरे हाथ का पास्ता खाना है और मेरे फ्रेंड्स को खिलाना है। तो मैंने यहाँ पे चॉप्ड जो मशीन है ना हमारे पास, उससे मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने डाल दिया। देन यहाँ पे मैंने तीखी वाली लाल मिर्च लिया है और गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से सही टेस्ट आता है। इस रेसिपी की जान है गरम मसाला, ज़्यादा मत डाल देना, अपने हिसाब से ही डालना टेस्ट के। और उसके बाद बस थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसे पकने दूंगी। थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप लिया है एंड इससे भी टेस्ट बहुत बैलेंस हो जाता है और काफ़ी अच्छा पास्ता बनता है। अरे हटा दो, मेरे को दिखाना है वीडियो में। हो गया चल। अरे वाह, कितना सोना सोना लग रहा है। सो मूव टू द पास्ता। यहाँ पे अच्छे से सब कुछ रेडी हो गया है और बस इसमें अब जाएगा हमारा यम्मी यम्मी पास्ता। तो पास्ते के बाद मैंने यहाँ पे 2 मैगी मैजिक मसाला लिया, बिकॉज इंडियन पास्ता इसके बिना बन ही नहीं सकता है। और सुबह बनाने की वजह इसीलिए भी जल्दी है क्योंकि अगर मैं इससे जल्दी नहीं उठी तो फिर यश स्कूल ही नहीं जा पाएगा। उसका वैसे तो वैन आने वाला था बट वो भी लास्ट मिनट पे कैंसिल होना पड़ गया क्योंकि वो भैया की गलती है। तो यहाँ पे डल गया है सोया सॉस, देन विनेगर और नमक और टमाटो केचप। मैं थोड़े से और डाल के भी कुछ अच्छा लगता है बैलेंस करने। पागल है क्या तू? भूल मत कि ये क्वेश्चन पास्ता व्लॉग है। अरे हटा इसको, निकाल, हटा, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं खाना, भाग में भाग के पीछे। अरे दूध पी लेता, पास्ता लेता नहीं चलता ना, जिसने कहा तो चलो मुझे पीने के लिए दिया। जान ही नहीं तू। नहीं सर, लेफ्ट सर, लेफ्ट लेफ्ट सर, लेफ्ट। पापा कभी पेपर सॉप नहीं खरीदते थे। यहीं पर घुस जा तू। कैसा बना है यश? उस दिन सूखा सूखा था, ये ज्यादा अच्छा है। ये टिफिन में सूख ही जाएगा, चिंता मत कर। इधर दे, वो तो टिफिन से पहले सूख गया। ठीक है ये सब तो अपना खुशी वाला पैक प्रिपेयर किया है। तो किया है तो पता क्या है? अरे उसमें है ना, इसमें मम्मी पास्ता हो गया। मम्मी पास्ता हो गया, ज्यादा हो गया ना। देख लो, यश ने कहा था ना कि उन्हें मिले ना मिले मेरे को भर के दे देना। मुझे एक ज्यादा लग रहा है। मैं मेरे मुंह में डाल दो फिर अगर यही ज्यादा है। चल एक ज्यादा लग रहा था, सुबह सुबह बासी मोर की डाल दो। यश जैसे मैं बताती हूँ कि एक चीज़ की है, ये इसमें ये है, उसमें ये है, तो बता ना इसमें क्या क्या है टेस्ट में। टमाटो सॉस है। हाँ मैं जा रही हूँ नहाने। एक और सॉस है। नहीं चल पानी पी ले। चिली सॉस है। नहीं क्या सीन हो जाए? और तो उसने गलती से तू तेरे बैग में डाल दिया था। चम्मच और बोतल संभाल के रखना। यश,
ब्लॉग्स और आज है ट्यूसडे और मुझे एक बात भी कहनी है तो वह मैं बाद में कहूँगी। और अभी मम्मी हमको दे रही है स्पेशल मेरा हाथ का पास्ता और ये हम लोगों ने फिर से दौरी का पेस्ट बनाया है क्योंकि हमें लगा वो कम है तो हम लोगों को और ज़्यादा खानी है तो हम लोगों ने और ज़्यादा बना लिया है तो बस ये पास्ता हम खाएंगे। और मतलब मैं सोचती हूँ कि यार मैं पास्ता का टाइटल क्या दूँ बिकॉज दिस माई रेसिपीज़। जो वाइट पास्ता मैं क्रीम पास्ता बनाती हूँ वो भी मेरी रेसिपी है। मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरे को तो अगर आप कहो ना कि नहीं ये झूठ है, मैं सच्ची बोल दूँगी मेरी है क्योंकि वाइट पास्ता मोस्टली लोग मैदे में बनाते हैं और मैं हमेशा क्रीम में बनाती हूँ एकदम मस्त। और ये वाली रेसिपी भी मेरी है तो प्लीज़ अगर कोई भी मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुशी सिन्हा 6602 यहाँ पे फॉलो कर लेना। और चलो अभी मम्मी यमी मम्मी पास्ता दे रही है पर उससे पहले मम्मी खुशहाली को टिफिन में दे रही है। मम्मी हमें भी खाना है तभी मैं कहूँ मम्मी ने सुबह सुबह इतना सारा पास्ता क्यों बनाया। तो ये रहा पास्ता मैं खा रही हूँ और ना अगर आप चाहो तो इसमें चीज भी ग्रेट करके डाल सकते हो। मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी यश के टिफिन पैक करने के लिए क्योंकि अगर यश को सुबह 6 बजे तक आप नहीं उठे तो उसका टिफिन पैक नहीं होगा, वो जा भी पाएगा। मैं नहा ही नहीं थी इसलिए मैं सुबह से कैमरे के सामने आई नहीं और मैं नहा चुकी हूँ तो बस मैं जा रही हूँ बाल कॉम करने, उसके बाद हम छत पे जाएंगे दौरी पारने और खूब सारा पास्ता आ रहा है खाएंगे। दीदी भी पास्ता खा रही है और दीदी सीरियल देख रही है जिंदगी गुजार है। पता है दीदी को इंग्लिश हिंदी तो छोड़ो, दीदी देख रही कौन सी लैंग्वेज है, पोश्तो लैंग्वेज जो कभी दीदी ने सुनी ना देखी। हाँ पोश्तो बंगाली लैंग्वेज होती है, अच्छा अफगानी लैंग्वेज होती है और कुछ सारी गूगल करेगी। तो क्या लूँ चिंता सर, क्यों चिप्स खा के अभी चढ़ा मैं तिलक। दीदी आ गया मौसम तेरे दुश्मनों का, कुद्रुन और परवल का है। मैं निकल चुकी हूँ अपने भाई को स्कूल से पिकअप करने के लिए और उसकी वैन का क्या सीन हुआ ना मैं आपको बाद में बताऊँगी और बस रास्ते में हूँ देखती हूँ मेक श्योर कि उसके फ्रेंड्स के साथ आज मैं वीडियो ले लूँ क्योंकि ना उसके वो खुद इतना शायद उसके फ्रेंड्स के साथ मैं ले नहीं पाती, मुझे खुद शर्म आती है। सो देखते हैं, वैसे उन्हें पता नहीं कि मेरा चैनल है या कुछ भी बट चलते हैं। मैंने घर पर से शूट नहीं किया क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी लेट हो रही थी तो बस अभी वहाँ चलते हैं फिर मैं वहाँ जाकर शूट कर दूँगी थोड़ा और रिकॉर्ड कर लूँगी। तो मैं अभी पहुँच गई हूँ उसके स्कूल और अभी छुट्टी होने में 10 मिनट है। मेरी मम्मी कहती कि उनके छुट्टी होने से पहले तुम पहुँच जाया करो वरना वो किसी और के साथ निकल जाए पता नहीं, इसलिए मैं आ चुकी हूँ। और जैसे यश आता है फिंगर क्रॉस की आज मैं उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ तो क्लिप ले लूँ यार, कुछ तो रिकॉर्ड कर लूँ। यश को मैंने ले लिया, मैंने कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया बट फाइनली मैंने यश के बेस्ट फ्रेंड के साथ उसकी फ़ोटो ले ली है और मैं उसे थंबनेल में भी डालूंगी और सोच रही हूँ कि उसके फ्रेंड को भी मैं भेज दूँगी। सो अभी छुट्टी है, पता नहीं इतना लेट क्यों आता है, मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ। इवन मुझे लगता है कि कहीं मैं इस गेट पर खड़ी हो रही हूँ शूट गेट से ना निकल जाए बट मुझे मिल गया। और यश तुझे फिर से एक वैन वाले भैया ने रिजेक्ट कर दिया है ले जाने से जस्ट बिकॉज ये 9th में है और वो बोल रहे 9th वाले बच्चों ने बहुत परेशान करते हैं पर मेरा भाई ऐसा नहीं है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ बट क्या करें कुछ लोगों ने नाम ख़राब कर रखा है। तो चलो अभी रिक्शा लेते हैं चलो। लंच में पास्ता कैसा लगा फ्रेंड्स को तेरे? अच्छा था, सारे फ्रेंड्स को अच्छा लगा? हाँ। कितना अच्छा, तभी तो खा रहे थे। और फोक तो तू एक ही ले गया था तो सबके पास चम्मच। अच्छा
और भाई कल खत्म हो जाएगा, उसमें क्या कहना है। एक हफ्ते की छुट्टी तो बेकार हो जाएगी। घर पे आ चुके हैं, घर पे है राजमा चावल और राजमा ना कल के हैं, ठीक है अभी नहीं बने, इतने भी वो नहीं है। हम लोग सुबह पास्ता बना था तो राजमा हमने कल का है, वो खाएंगे। पता नहीं लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होती है बताने में कि हमने कल का राजमा खाया, कल का पनीर खाया। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, खाया तो खाया, वेस्ट थोड़ी ना करेंगे। जो लोग ऐसा करते हैं मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। रिलेटेबल। तो ये वीडियो अगले मॉर्निंग की है, आज के दिन हम बना रहे हैं, मतलब आज की वीडियो है, आज के दिन हम बना रहे हैं आलू के चिप्स जो घर पे बनते हैं। तो बड़े बड़े आलूओं को छील छील के मैं पानी में रख रही हूँ, नॉर्मल पानी है जो आता है उसमें, एंड पिलर से छील के मैं इसमें रख दूँगी वरना आलू काले हो जाएंगे। और एक तरफ मम्मी जो हैं वो आलू के चिप्स काट रही हैं, क्योंकि हम लोगों को घर का बना फ्रेश खाना होता है, बाहर का भी आता है पर उसमें वो मज़ा नहीं आता मुझे आलू के चिप्स का। मुझे तो वो चावल के चिप्स लगते हैं या मैदे के लगते हैं सच्ची में, और इन चिप्स की बात अलग होती है और इसमें ना मेहनत बहुत होती है तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो बस ये हमारे पास जो चिप्स कटर है उसी से हम काम चला रहे हैं अपना, और काट के ठंडे ठंडे पानी में रख देंगे। इसमें ठंडा पानी यूज़ हुआ है वरना आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं और वो जब चिप्स बन के निकलेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, दिखने से ही अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे ये हमने एक पतीले में पानी गर्म किया है, ये नहीं कि पानी में से उबालना है, एक बॉयल आएगा डालना है निकालना है, ठीक है। मैंने चिप्स पहले नहीं बनाए तो मुझे मम्मी ने बोला डाल के बस निकालना होता है वरना वो ज़्यादा सॉफ्टन हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, जो क्रंच आएगा वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि पहले मम्मी ने इसके बाद इस वाले पतीले में डाला तो ना ये पतीला ही भर गया और उसके बाद मम्मी को फिर से पलटना पड़ गया तो डबल मेहनत हो गई। तो अभी आप देखना आगे वाली क्लिप में, ये मम्मी डाल तो रही है इस पतीले में पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे ना सब एक और बड़ा वाला पतीला आया है जो हम बेड में रखते हैं ना, वो वाला निकाला है मैंने और फिर मम्मी उसमें रखेंगे और ये सारा फिर उसमें जाएगा। ऐसे ही होता है, हमें लगता है कि बहुत कम है पर बनते बनते बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें डाला है नमक एंड बेकिंग सोडा, बस वन बॉयल एंड स्ट्रेन इट। इसको फालतू नहीं ज़्यादा करना है और स्ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है, आप संभल के करना, बड़े लोगों से ही करवाना क्योंकि फिर क्या होता है ना वो बहुत गर्म पानी होता है और उसमें ना इतना ज़्यादा हौच पौच होता है कि आप थोड़ा जल भी सकते हो, खतरा है। तो प्लीज़ आप अपने बड़ों को कहना या जो प्रैक्टिस है उन्हें कहना। तो बस यहाँ पे ये हमने जाली में से निकाल लिया और मम्मी यहाँ पे ले जा रही थी, तब तक मम्मी का हाथ बहुत जलने लग गया तो मम्मी ने फिर से कपड़े से और फोल्ड किया। और यहाँ पे हम लोग ना गरम गरम ही चिप्स को आकर फैला देंगे पिन्नी पे, क्योंकि ना अगर वो हम लोगों ने रखा तो वो अपनी हीट से ही ना और ज़्यादा एक दूसरे में पकने लगेगा। एक एक करके सिंगल सिंगल उसे खोलते रहना है और खोल खोल के ही सुखाना है वरना वो एक ही में चिपक जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होती है सुखाने के बाद। देख रहे हो आप मैं कैसे एक एक करके कर रही हूँ और मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जलता है, तो गर्मी ऊपर से ये सारा काम। और बस एक एक करके देखो आप, एकदम खोल खोल के सूख गया है। एक तरफ वो भतुए का सुखौता भी हम सुखा रहे हैं और अदौरी भी सुखाएंगे, सुखा के हम लोग नीचे आ जाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे कुछ टाइम तक मैं यही सोच रही थी कि मैं YouTube अपने एग्ज़ाम्स को साथ लेके चल सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही अपने एग्ज़ाम्स को। अगर मैं कोई भी वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे उसमें काफ़ी टाइम देना होता है, उसको एडिटिंग करना, टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन डालना। आ जाओ आ जाओ। तो ये दीदी आ रही थी वैसे, तो उससे वो पीछे चली गई। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपना यूट्यूब जो है वो, वैसे भी इतना मेरे फैंस तो इतना मेरे लिए वेट नहीं कर रहे बट जितने हैं उनके लिए वीडियो डालती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैंस मुझे सपोर्ट करेंगे इन सब में कि पहले मैं अपने एग्ज़ाम्स को कर लूँ। और मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं वो 30 मई तक चलेंगे, तब तक हम लोग कुछ दिनों तक के लिए दूर दूर हो जाते हैं एंड ऑफकोर्स मैं तब तक वीडियो नहीं डालूँगी एंड मैं जो हूँ वो उसके बाद से डालूंगी। सो कुछ दिनों के लिए आपके पसीना ब्लॉग्स को थोड़ा सा वो रखो साइलेंट एंड मेरी पुरानी वीडियोस को देखो, वॉच करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो रहा है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो khushi66202, वहाँ पे जाओ, मुझे DM भी कर सकते हो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड ऑफ कोर्स मेरी कोई भी रेसिपी देखते हो तो मुझे DM ज़रूर करना करो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू KP Sinha Vlogs। स्टे विद मी, स्टे विद KP Sinha Vlogs। बाय।